हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गेम के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा गेम जिसको आप खेल के डेली कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हो। लकी जेट गेम को खेल के आप डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो। एंड इस ऐप पर रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी, आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इस ऐप पर रजिस्टर कर सकते हो। एंड ऐप का नाम है वन विन। तो मैंने ऐप ओपन कर ली और मैं आ गया हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर। तो एक्चुअली इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको दो बेट लगानी होती है। जैसे कि मैंने दो बेट लगा दी हज़ार रुपये की, दैट मीन्स 1000 रुपीज़ की दो बेट लगा चुका हूं मैं। एंड बेट लगाने के बाद अब हमें उसको पिक करना, और जितना ज्यादा अमाउंट आप पिक करोगे उतना ज्यादा आप जीत जाओगे। सो अभी देखो ये बढ़ रहा है, इवन बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा अमाउंट आप जीत जाओगे। एंड ऑलमोस्ट बूम, मैं जीत गया 5280 रुपीज। और अभी सेकेंड वाली बेट भी बची है तो उसका भी वेट करते हैं। बढ़ रहा है। एंड यस, मैं सेकेंड वाली बेट में भी जीत गया 10790 रुपीज़। जो भी अमाउंट मैं जीता हूँ उसको ट्रांसफर करना बहुत ईजी है, मैं पेटीएम कर सकता हूँ, यूपीआई कर सकता हूँ, या तो बैंक ट्रांसफर कर सकता हूँ। सो अभी गेम में हमने जो भी अमाउंट जीता मैं उसका विड्रॉल कर लेता हूँ, एंड वील वेट फॉर द अमाउंट टू क्रेडिट। सो अब मैं बताऊंगा आपको कि इस गेम को खेलना है कैसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट साइट पर आ सकते हो। बाय द वे साइट का नाम है वन विन और गेम का नाम है लकी जेट। And only for our subscribers, one win देगा 25,000 rupees first deposit पे via link and promo code। बाकी description box में आपको registration link and promo code दोनों ही मिल जाएंगे। तो ये देखो जो भी amount मैंने withdraw करा था वो आ चुका है मेरे Paytm में, और अब मैं चैन से shopping कर सकता हूँ। And चलो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस vlog को, in 3, 2, 1। यहाँ पे हमारे पास है Vitpilin 250 और वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल्स में से एक है। एक्चुअली एग्जैक्टली Vitpilin की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वाट पिलन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने उस पर 2500 किलोमीटर्स कवर किए थे। और बाय द वे पूरी मोटरसाइकिल सेम है, सिर्फ सीटिंग पोस्चर है वो डिफरेंट है। मतलब जो हैंडल बार है ये एक कैफे रेसर है प्रॉपर, वो एक कंफर्टेबल स्पोर्ट्स टूरर नेकेड मोटरसाइकिल है। और बाय द वे ये लाइट ना यार, भाई इतना इंप्रेस्ड हुआ था मैं इससे उस ट्रिप पे कि मज़ा आ गया था। ऐसी लाइट है कि कोई ऑक्सिलरी लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप सोच रहे हो इतना ज़्यादा नाइट राइड किया हमने, क्या लाइट्स है भाई। और इसकी परफॉर्मेंस है, इतनी कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है, इतना एंजॉय किया, इतनी जंप्स ली, मतलब हर एक चीज़ आप इससे कर सकते हो। और ये सेम इंजन है जो आपको ड्यूक 250 में मिलता है। बाय द वे ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है वो है ये एग्जॉस्ट, ये देखो क्या लग रहा है भाई। और ये एग्जॉस्ट R1M जो आती है ना, मॉन्स्टर लीटर क्लास मोटरसाइकिल, उसका ये फर्स्ट कॉपी अकरा पोविच का एग्जॉस्ट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और क्या खूबसूरती से इसको लगाया गया है, अंडरबेली नहीं हटाई गई है। तो जो गाड़ी की आवाज़ है वो कुछ खास चेंज नहीं हुई है, सिर्फ उसमें बेस थोड़ा ऐड हो गया है। बाकी अगर मोटरसाइकिल की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ड्यूक 250 वाला इंजन मिल जाता है, और इंडिकेटर्स ऑल एलईडी मिल जाते हैं आपको स्टॉक, और इसमें आपको सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका स्पीडोमीटर है, थोड़ा सा बेसिक है, बट यार एक बार जब आप इस मोटरसाइकिल के साथ जीने लगोगे, इसको ऑन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा कैपेबल है। अब एग्जैक्टली देखो Vitpilin में तो हाथों पे प्रेशर आने वाला है, अगर आप जिम विम करते हो, जिम जाते हो, तो इसको लेके निकलोगे तो आपके बाइसेप्स अलग से दिखेंगे, बिकॉज ये कैफे रेसर है। और एकदम हंटर की तरह आप बैठोगे, ऐसा लगता है कि एकदम यार अग्रेसिव होके कहीं शिकार पे जा रहे हैं, तो वैसा फील आता है। बाय द वे इसमें देखो जो रेडिएटर गार्ड लगा है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक। इसमें हस्की का लोगो बना हुआ है, हस्कवर्ना का या हुस्कवर्ना जो भी इसको कहते हैं प्रिसाइजली। और ये देखो आगे से कुछ ऐसी लग रही है, अपना हेलमेट बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। और एग्जॉस्ट अपनी जो RS में लगा है उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा और अच्छा एग्जॉस्ट है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का। आप देख सकते हो कितना सही सा लग रहा है देखने में। पीछे से कुछ ऐसा लुक है, देखो पीछे से गाड़ी थोड़ी सी छोटी लगती है ज़्यादा, आई एग्री, पीछे से उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती जितनी साइड से और सामने से लगती है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज शाम हो रही है। और ये देखो भैया लुक देते हुए गए हैं, और जल्दी से इसको राइड करेंगे फुल थ्रॉटल। आवाज़ सुना देता हूँ सबसे पहले आपको, स्टार्ट करो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें, सब कुछ मिलता है आपको, जो इसका स्पीडोमीटर है उसमें, बस हाँ साइज थोड़ा छोटा है। चलो अब राइड करते हैं। तो लो फ्यूल लेवल दिखाने लगा, थोड़ा सा ही थ्रॉटल लिया अभी, तो KTM का इंजन है तो ये तो होना ही है। चलो फुल थ्रॉटल,
क्या फील आ रहा है भाई। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मिरर्स बहुत जरूरी है मोटरसाइकिल में, मिरर्स होने चाहिए यार। हस्क्वर्ना, विटप्लिन अगर आप चला रहे हो और अगर इसमें यहाँ पे मिरर्स निकले तो बहुत ही बेकार है। तो जो इसके ओनर है उसने बहुत सही काम किया इसके मिरर निकाल के। अगर आपको मिरर लगाने तो आप बार एंड मिरर लगा सकते हो, ये वाले मिरर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज बाइक का जो क्लास है, बाइक के जो लुक्स है उनको स्पॉइल करेगा। प्लस यार कैफे रेसर्स में ये वाले मिरर्स होते ही नहीं है, तो यार हस्की को खुद से देने चाहिए थे बार एंड मिरर्स, बट मे बी अपनी कंट्री के नॉर्म्स क्या हैं ये भी हमें आइडिया नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। और यहीं पे हुआ था अपना चलान R15 पे, याद है आपको? अब तो रोकेंगे, मैं रुकूंगा नहीं भाई, अच्छा बन के देख लिया मैंने एक बार, किसी की हेल्प करने गया था बताओ। हाँ मुझे लगता है ये वाली जो हस्की है थोड़ा नई है अभी, तो ब्रेक से अभी उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा बिकॉज मैं स्वाट पिलन लेके गया था तो क्या ब्रेक्स उसकी लग रही थी। इसकी ब्रेक्स थोड़ी स्पॉन्जी लग रही है अभी, अब आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। बाय द वे मैंने आपको इसकी आवाज़ सुना दी तो आप कमेंट करके बताना आवाज़ कैसी लगी। देखो यार आवाज़ में कोई चेंज आया ही नहीं है, मुझे लगता है हल्का सा सिर्फ बेस बढ़ गया है। तो जैसे अपनी RS 200 है ना, अपनी RS 200 की आवाज़ में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि आपकी गाड़ी की जो ओरिजिनलिटी है, जो स्टॉक साउंड है, वो आना चाहिए यार सिंगल सिलेंडर में। स्पेशली इनलाइन 4 में तो आप यार एक दिन में कह रहा हूँ कि आप एग्जॉस्ट ना लगाओ स्टॉक, तुरंत आप चेंज कर लो, ऑस्टिन लगा लो, अकरा लगा लो। बट ये जो सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, ड्यूक हो गई, हस्की हो गई, तो इन सब मोटरसाइकिल की जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसी में मज़ा आती है, वरना बहुत भड़बड़ाने लगती है। इस बाइक में जो एग्जॉस्ट लगाया गया है वो डायरेक्ट अंडरबेली में लगा दिया गया है, जिससे इसकी आवाज़ चेंज नहीं हुई, प्लस लुक बहुत अच्छा हो गया। तो सिंगल सिलेंडर वालों को सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा भाई। अगर मैं इसको आधे घंटे और चला लूँ तो इसकी ब्रेक्स अच्छी हो जाएंगी, इतना अग्रेसिव मेरा राइडिंग स्टाइल है कि अभी चलाते चलाते इसकी ब्रेक्स की जो बाइट है वो थोड़ी और अच्छी हो गई, हल्का सा मैंने यूज़ कर लिया है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है। और काफ़ी हार्ड एंड फास्ट मैं राइड भी करता हूँ। बाय द वे हम ले लेंगे यहाँ से टर्न, तो जो यू टर्न है वो तो ब्लॉक कर दिया गया है, बट हमें जाना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं से। चलो फन की तरफ से चलते हैं। और बाकी आजकल मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ डेली व्लॉग करने का, अंदर से एक जोश उठता है फिर ठंडा हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सारी चीज़ों की वजह से। और हमेशा ही जब भी रुको आप ना, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुको, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होकर रुकने का फ़ायदा क्या है। और बाय द वे RC 390 जैसी लखनऊ में आती है आपको भर भर के कंटेंट मिलने वाला है। उसको हम कंपेयर करेंगे BS 4 RC से, उसको कंपेयर करेंगे अपने पास जो 390 है अपना पॉकेट रॉकेट उससे, और अपाची आ रहा 310 है कंपटीशन। तो ये सारी चीज़ें हैं कंपैरिजन के लिए जिसका मैं वेट कर रहा हूँ बेसब्री से। और बाय द वे एक कार का भी फेसलिफ्ट आने वाला है, कौन सा आने वाला है आप लोग कमेंट करके बताओ, तो मैं ट्राई करूँगा कि सबसे पहले वो अपने चैनल पर आए और थोड़ा सा एक एक्सक्लूसिव कंटेंट रहे। E220D पसंद है मुझे ये कार यार। अभी जो भी अपनी बाइक वाइक आनी है सब आ जाएगी, उसके बाद ना मेरे को एक छोटी कार चाहिए जिसको मैं शूट के लिए निकालूं। देखो अपने पास सफारी तो है, बट आप सफारी को हर टाइम नहीं निकाल सकते हो, डैट टू वो 7-8 का माइलेज देती है, मतलब अगर आप थोड़ा भगा भगा होगे उसको, AC चल रहा होगा, तो कोई ऐसी कार चाहिए ना जो थोड़ा सा एफिशिएंट भी हो साथ में, जिससे हम अपने कैमरा टीम जो भी रहते हैं, अपने दोस्त लोग रहते हैं, तो वो उनको उस कार में रख सकें और हमें प्रॉपर सिनेमैटिक्स मिल सके। बाकी आज बहुत टाइम बाद मैंने पहनी है अपनी जी शॉक, और इस घड़ी से बहुत यादें जुड़ी हैं बिकॉज़ ये अपनी पहली घड़ी थी। मुझे लगता है जब मैं 25-30 हज़ार रुपये कमाया करता था तब मैंने 8 हज़ार की घड़ी ली थी, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको जब भी पहनता हूँ। और यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हूँ इसी टाइप का, थोड़ा रगेड थोड़ा रफ़ चीज़ें मेरे को पसंद है, बिकॉज़ एप्पल वॉच और जो नई वाली वॉच है उन सबको चार्ज करना इज़ टू स्टूपिड मैन। मतलब मेरी घड़ी तो मुझे लगता है 1 महीने में 20 दिन तो बंद रहती होगी, बंद पड़ी है यार, 2-3 दिन बैटरी चलती है, घड़ी को कौन चार्ज करता है यार।
ये स्मार्ट वॉच वाला जो नया ज़माना है ना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मुझे यही पसंद है भाई। बस की राइड कर रहे हैं, मुझे लगता है मैंने आपको एग्जॉस्ट अच्छे से दिखा दिया, बाइक के बारे में बता दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि डेफ़िनेटली अगर आप 250 सीसी की बेस्ट मोटरसाइकिल मेरे से पूछो, टूरिंग करनी है आपको, मतलब ऑल ओवर पूरी आपको लाइफ में इंजॉय चाहिए, तो ड्यूक 250 से बेटर मुझे स्वाट पिलन 250 लगती है। इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट, इतनी जंप्स ली, इतनी व्हीलीज करी मैंने उस मोटरसाइकिल पे, स्टॉपीज, व्हीलीज और जंप्स के लिए तो इतनी प्यारी मोटरसाइकिल है ना ये, इतने अच्छे सस्पेंशन है। और देखो विड पिलन किस लिए, अगर आपको सिटी में चलाना है, शॉर्ट डिस्टेंस करना है, 10-20 किलोमीटर्स आप चलते हो, मतलब जाना आना इधर उधर करना, तो सही है। अगर लॉन्ग टर्म टूर करोगे तो थोड़ा हाथ पे देखो प्रेशर आ रहा है ना, तो ये होगा। स्वाट पिलन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका हैंडल बार अपराइट है, सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। ऑल दो चलाने में इसको ज़्यादा मज़ा आती है, मतलब अगर आप भगा रहे हो तो ज़्यादा एक स्पोर्टी फील आता है यार। कैफे रेसेस आर बॉर्न स्पोर्टी मैन। बाय द वे काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो गई टाइम के साथ, नई नई चीज़ें लॉन्च हो गई, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है चीज़ें अपग्रेड होती जा रही हैं। देखो वॉचेस की जगह स्मार्ट वॉच आ गई हैं, उनको चार्ज करो अलग ही भाई, क्या कह सकते हैं मतलब अलग ही बेवकूफ़ी है मैन। और उसके अलावा जो नए डिज़ाइंस आ रहे हैं कार्स के, बाइक्स के, काफ़ी हद तक देखो R15 जो आई नई वाली, वो बहुत अच्छा अपग्रेड लगा मुझे, क्या लुक कर दिया, बहुत ही सेक्सी कर दी। बट उसके अलावा अगर आप S1000RR देखो, ZX10R देखो, तो ये सारी मोटरसाइकिल्स जो पहले की थी ना भाई, वो लेजेंड थी मैन, क्या लगती थी भाई, ज़बरदस्त लगती थी। अब हायाबूसा को ले लो फॉर एग्जांपल, देखो नई वाली मुझे पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार पहले वाली एक अलग ही लेजेंड थी। ऑल दो हायाबूसा को एक प्रॉपर अपग्रेड दिया है डेफिनेटली, देखो जो पावर है वो डिग्रेड हो गई है, बट द न्यू हायाबूसा इज़ मच मोर लिवेबल, मतलब आप उसको और अच्छे से सिटी में भी राइड कर पाओगे, और अच्छे से उसके साथ आप रह पाओगे, जी पाओगे अपनी ज़िंदगी, अगर कंपेयर करते हैं पहले वाले मॉन्स्टर से। क्या हैंडलिंग है भाई, टायर सब कुछ इस गाड़ी का स्टॉक इतना अच्छा दिया है ना भाई, अगर पीछे से लुक हटा दो तो उसके अलावा आगे से, साइड से, हैंडलिंग, मेरी 250 सीसी में ये फेवरेट मोटरसाइकिल है। ये बताऊँ मुझे ये चीज़ ना पता चलती अगर मैं 2500 किलोमीटर्स वाली XBHP वाली राइड ना करता, तो उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई यार कि क्या चीज़ बनाई है ये। यहाँ से अपन लेंगे टर्न, और बाय द वे बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने एग्जॉस्ट देखा बहुत ही खूबसूरत। अब मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन देखो अपने हो चुके हैं, आदत पड़ गई थी कि 1 मिलियन होने वाले हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो बोलने की। अब जो हमारा नेक्स्ट गोल है वो है 2 मिलियन, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइबर्स के लिए ना करो, अगर आपको कंटेंट पसंद है तब करो, वर्थ लगे तभी करो फॉलो और सब्सक्राइब। See you soon in the next vlog. Ride hard, ride safe, stay safe. Enjoy man, enjoy. और कमेंट करके बताना ये व्लॉग लगा कैसा है यार, आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए।